हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल चतुरु फार्मिंग में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक प्लांट जो है, एक पौधे की क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैं जो भी खेती करता हूं दोस्तों, बिल्कुल जैविक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती करता हूं दोस्तों। किसी तरह का फर्टिलाइज़र या किसी तरह का कीटनाशक मैं लेके नहीं आता दोस्तों, खुद ही घर पे तैयार करता हूँ। और जिब्रेलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, जितनी भी जो एक प्लांट को ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं घर पे ही बनाता हूँ। और उनको बनाने में भी दोस्तों मेरे को ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। उसमें मिनिमम जो है 5 से 10 रुपए में भी मैं उनको तैयार कर सकता हूँ। और दोस्तों, पौधों के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो हम कई बार जो है वो वेस्ट कर देते हैं। कई चीज़ें जैसे जो किचन वेस्ट होता है दोस्तों, तो वो वेस्ट नहीं, बेस्ट होता है एक पेड़ के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि एक पेड़ की ज़रूरतें क्या क्या होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, एक पेड़ के लिए जो है वो ज़रूरतें होती हैं, एक पेड़ को कई तत्वों की ज़रूरत होती है, जैसे कि उसको नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम, माइक्रो पोषक, और इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन और भी कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। जिंक है, कॉपर है, बोरॉन है, क्लोरीन है। तो दोस्तों, कई चीज़ों की ज़रूरत होती है एक प्लांट को ग्रोथ होने में, उसके फल लगने तक, उसको जो प्रॉपर तरीके से उसकी ग्रोथ के लिए जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं। किचन वेस्ट होता है दोस्तों, उससे हम बहुत ही अच्छा कंपोस्ट बना सकते हैं और पौधों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे बनाना है। फर्स्ट दोस्तों, चाय पत्ती जो होती है, वो जो हर घर में चाय बनती है दोस्तों, तो जो चाय पत्ती बचती है दोस्तों, चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है, उसको हमें 3 से 4 बार उसको धोना है अच्छे से। बेशक उसमें आप अदरक डालते हैं, इलायची डालते हैं, कुछ भी जो भी कुछ डालते हो, उसको पहले 3 से 4 बार उसको धो लेना है, ताकि उसको उसमें से जो मीठापन है उसका वो निकल जाए। और उस चाय पत्ती को आप प्लांट में डाल सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वो प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और उसके बाद मैंने एक चीज़ अपने घर में भी बनाई थी, और ये थी कि जैसे जो किचन में प्याज हम छीलते हैं, जो उसके छिलके होते हैं दोस्तों, उन छिलकों को एक बोतल में डाल के, और उसमें जितना लेवल आपका वो जो छिलके रहेंगे उतने ही लेवल तक आपको पानी भरना है उसमें। और उसको कम से कम, नहीं तो 7 से 8-10 दिन तक आप उसको रखिए उस बोतल में। और दोस्तों, उसको हर रोज़ जैसे दिन में एक बार उसको हल्का, ऊपर से बोतल के ढक्कन को हल्का से जैसे आप खोलोगे, तो उसमें से गैस जो होगी उसमें वो गैस निकल जाएगी। और दोस्तों, दिन में एक बार उसको तीन से चार दिन तक उसको बोतल को ज़रूर ढक्कन उसका खोल के उसकी जो गैस बनी होगी उसमें वो उसको निकाल दें। और फिर उसके बाद जो 8 से 10 दिन के बाद जो बनेगा, तो दोस्तों उसको आप छानने के बाद उसको प्लांट में डालिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा दोस्तों। मेरा यकीन कीजिए दोस्तों, मैंने सारे सब चीज़ जो है वो ट्राई किए हुए हैं दोस्तों घर में, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है दोस्तों। एक बात और, तो अगर आपके पौधों में फंगस लग रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं या कुछ भी, तो उसमें नीम ऑयल डाल सकते हैं दोस्तों पानी में घोलने के बाद। और अगर नीम ऑयल नहीं है अगर आपके पास, तो आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं, हल्दी भी डाल सकते हैं दोस्तों। और एक जो ये आप घर में चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो उसका जो पानी रहता है दोस्तों, जैसे धोते टाइम जो पानी बचता है जैसे, तो उस पानी को भी वेस्ट मत कीजिए, उनको डायरेक्ट अपने पौधों में दे दीजिए, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, अगली जो मेरी वीडियो रहेगी वो रहेगी जैसे हम घर में ही जिब्रेलिक एसिड किस तरह से बना सकते हैं,
और ह्यूमिक एसिड भी कैसे बनाना है हमें। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको हेल्प हुई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन जो होता है दोस्तों वो उसको ऑल पे कर दें, और मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस रहेंगी वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों।